हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैं निकला हूँ अपना संताराई, यहाँ से रिसपन से मतलब बाहर का एरिया है। वहाँ पे मतलब ऑफिस है जॉब वगैरह के लिए, मतलब जो जॉब दिलवाते हैं। तो वहाँ ऑफिस में जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वगैरह दे के आने उनको। बाकी मेल तो मैंने कर ही रखे हैं। बाकी भाई कह रहे थे कि एक बार वहीं जाके दो डॉक्यूमेंट भी दे आते हैं एक बार। तो मैं निकल चुका हूँ घर से अपना। तो मैं जाऊँगा यहाँ से ओरिएंट, 47-0 एक बस नंबर है। यहाँ से सीधा ओरिएंट जाएगी, फिर वहाँ से जाएगी कम्बोई। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा ओरिएंट। तो अब मिलते हैं आपको सीधा ओरिएंट पहुँच कर ही। बाकी अभी आपको एक चीज़ दिखाऊँगा, अपने पीछे आ रहा है एक ऑटो, जैसे अपने इंडिया में है ना, इंडिया में चलता है उससे की कई ऑटो है देखी है। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा बस में बैठने के बाद। तो फाइनली गाइस मैं बैठ चुका हूँ अपना बस में और निकल चुके हैं यहाँ से ओरिएंट के लिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत सफर और फिर मिलेंगे सीधा ओरिएंट ही। तो गाइस सुबह मैं पहुंच चुका हूं अपना ओरिएंट कम्बोई स्टेशन पे। वहीं मिलते हैं आपसे सीधा। तो गाइस मैं आ चुका हूं इस टाइम नीचे मेट्रो स्टेशन के पास। ठीक है, यहां पे ना मतलब कि इंडिया की तरह यहां भी मतलब वैसे ऑलमोस्ट सारी जगह ही मिलेंगे लोग, मतलब स्टेशन पे सोते हैं सारे में ऐसे ही है। इस साइड में भी, उधर पीछे, मतलब सारी जगह एक कोने पे सोए हुए हैं लोग। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से मेट्रो की तरफ, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको सीधा पहुँचने के बाद। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपना कम्बोई स्टेशन पे। अब बस यहाँ से 5-10 मिनट में ट्रेन है, मतलब अभी आएगी 5-10 मिनट में, उसके बाद फिर 20-25 मिनट तक जाएगी। तो अभी करते हैं वेट, उसके बाद चलते हैं फिर वहाँ पे लेके चलेंगे। तो गाइस मैं ना मतलब कम्बोई से नीचे आ रहा हूँ, क्योंकि अभी ना मेरे को एक भाई मिले थे अपने इंडिया से ही थे, वो भी पंजाब से। तो वो भी मेरे ख्याल में वहीं से आए थे अभी, मतलब संताराम से। तो सारी बातचीत होनी स्टार्ट हुई, तो वो बता रहे हैं कि ऐसे वहाँ जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है अपना वर्क परमिट पे, जहाँ पे आपको ऑफिस में जाना है कि वहाँ पे अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अगर ऑनलाइन कर रखा है तो वो भी सही है, क्योंकि सेम प्रोसेस है उसका। अगर आपने वहाँ कर रखा है कोई फालतू पैसे लगाने की जरूरत है, तो वो भी अभी वहाँ गया था, तो वो भी यही पूछ गया कि अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करें तो ऑनलाइन हो सकते हैं। तो वो भी उन्होंने कहा कि हाँ ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो ऑनलाइन भी हो जाएगा। तो मैंने उनको मेल भी कर रखी है और उनके जो साइट है उस पर लोग रजिस्ट्रेशन भी कर रखे, अपलोड कर रखे डॉक्यूमेंट सारे रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो अब वहाँ से मैं नीचे आ चुका हूँ और मैं जाऊँगा यहाँ से मॉल में वास्को द गामा, वहाँ पे देख के आते हैं कॉन्टेंट वगैरह में सारी जगह डॉक्यूमेंट वगैरह देख के आते हैं करते हैं वहाँ उनसे बात। तो गाइस कॉन्टिनेंट में तो मैंने अपना फॉर्म यहाँ फिल कर दिया है, ओरिएंट वास्को द गामा जो मॉल है वहाँ पे। अभी और भी कहीं देखते हैं,
घूमते हैं मॉल में, और कौन कौन सी जगह ऐसी जहाँ इंटरनेशनल जहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज चलती है और हम अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस मैं मॉल से बाहर आ चुका हूँ, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर भाई बस। बाकी मैंने अंदर कॉन्टेंट वगैरह में तो खरीद दिया, जैसे पेपर वर्क और वोडाफोन हो गया, जैसे एक वोडाफोन हो गया, फिनैक हो गया, जो यहाँ के मतलब कि वोडाफोन तो अपनी इंडियन कंपनी है, ठीक है, इन पर मैंने ऑनलाइन वगैरह ऑनलाइन जो इनकी साइट है उनको अप्लाई कर दिया। बाकी मैं जा रहा हूँ घर पे, बाकी जो दो तीन जो भी कंपनियाँ हैं उनको घर जाके अप्लाई करूँगा, तो मिलते हैं आपको सीधा घर पहुँचने के बाद। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ अपना बस में दोबारा और चलते हैं यहाँ से ओरिएंट से, फिर मिलते हैं सीधा घर पहुँच के, खाते कुछ खाना पीना, ठीक है, सुबह से भूखे हैं तो मिलेंगे सीधा घर पर ही। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं अपना उसमें से चुका हूं और जा रहा हूं अपना घर की तरफ, तो मिलते हैं आपको घर पहुंच के, खाते हैं कुछ खाना पीना, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, तो मिलते हैं आपको सीधा घर पहुंच कर ही। तो गाइज खाना खुना बना के खाने के बाद अब आ चुके हैं अपने कमरे में बेड पे, सोते हैं करते हैं रेस्ट और मिलते हैं अब अगली सुबह, ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल, तो के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड लव यू।